सो यो व्हाट इज़ यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यार, स्टार्टिंग की जो इंट्रो दी वो भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं इस ब्लैक फिल्म पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो उसके लिए सॉरी। सो गाइज, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है ना, उसके अंदर कोई केबल नहीं होती, उसके अंदर होता है एक पिस्टन। यहाँ पे ना एक पिस्टन होता है, जो पिस्टन होता है वो फ्लूड वैसे प्रेस करता है, तो जिसकी वजह से कैलिपर में फ्लूड जाता है और कैलिपर के पिस्टन दबते हैं। अब जैसे जो ब्रेक्स होती है उसके अंदर आप जैसे डिस्क ब्रेक निकाली हुई है फिर भी आप उसको ब्रेक दबा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक में ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको दबा देंगे ना तो फिर वो कंप्रेस हो जाती है, फिर उसमें जो ब्रेकिंग की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप गलती से दबा भी देते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में, तो मैं उसकी शॉट डालूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हो तो उसको ठीक कैसे करना है। सो गाइस, जो टेक्ट्रो की M285 हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक आती है वो होती है 2 फिंगर। जो बाकी ब्रेक्स होती है जैसे MT200 होती है शिमानो की, वो 4 फिंगर होती है, ये है 2 फिंगर। अगर आप इसको 2 उंगली से दबाएंगे तो ये स्टॉप अच्छी हो जाती है, और इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है M285 से। सो गाइस, अभी तो आपने देख लिया होगा कि इसकी पावर कैसी है, 2 फिंगर ब्रेक है, और अगर आप इसको 4 उंगली से दबा देते हैं तो ये खड़े खड़े तुरंत स्टॉप हो जाएगी, और आप पलट भी सकते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा 2 उंगली से दबाना है, और इसकी ब्लीडिंग जो है वो कंपनी से होके आती है, तो आपको ब्लीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे बाकी की जो ब्रेक्स होती है उसमें आपको ला के ब्लीडिंग करनी पड़ती है, तो उसका जो ऑयल होता है वो काफ़ी महंगा आता है, तो इसमें आपको ब्लीडिंग करी हुई मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज, इस जो ब्रेक्स है उसका ब्लीडिंग का जो नट है वो स्टार्की वाला है, जिसके आप देख सकते हैं स्टार्की वाला नट है, और इसकी ब्लीडिंग की वीडियो मैं भी थोड़ी देर में चला दूंगा। और गाइज, इसमें एक दिक्कत होती है, जैसे आपका शिमानो का शिफ्टर है तो आपको उसको माइक्रो शिफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर कोई और में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर लीवर और शिमानो का शिफ्टर वो एक साथ आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हो, शिफ्टर के ऊपर ही ब्रेक आ गई है, तो ये अलग है और ये अलग है। तो लेकिन वो जो शिमानो का शिफ्टर आता है उसमें भी आती है, उस शिफ्टर में ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है, तो काफ़ी महंगी आती है। एक साइड का लीवर ही 4000 रुपये का आता है, तो और वो वर्थ इट भी नहीं होता। तो अगर आपका शिफ्टर भी ख़राब हो गया उसका, तो आपको नया लेना पड़ता है। तो ये जो मैंने ब्रेक्स लगाई है वो दुर्गा साइकिल ज्वाला हेडी मार्केट से लगवाई है, तो आप भी उधर से जाके लगवा सकते हैं। जल्दी तू फिर भी नहीं अख जिथे रखदा छे ना कखदा लड्डू की कली पवाई रखदा नी मुफ्त च।